के साथ चार तरह के पकौड़े रहते हैं, चार तरह के पकौड़े रहते हैं, मीठा मीठा रहता है साथ में, दो तरह का मीठा रहता है। मन्नत होती है, वो मांगती हैं, वो लगातार हर साल यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की खुशी लेने के लिए, यहाँ बाल लीला में सेवा करने के लिए आती हैं। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व जारी है। इस बीच हम चले आए हैं बाल लीला गुरुद्वारा में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि बिहार का सबसे बड़ा किचन किस तरह से काम करता है। चूँकि इस वक्त हम मौजूद हैं बाल लीला गुरुद्वारा में और यहाँ पर गुरु का लंगर जारी है। हम आपको बता दें कि गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा गुरु का लंगर शुरू की गई थी और उसके बाद से यह अनवरत चलता आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह गुरु का लंगर हमेशा चलता रहता है, लेकिन बात करें प्रकाश पर्व की तो प्रकाश पर्व में यह व्यवस्था कुछ बड़ा बृहद रूप ले लेता है और इस लंगर में कम से कम एक दिन में कम से कम लाखों लोग जो हैं इस लंगर को चखते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम बाल लीला गुरुद्वारा में हैं और यहाँ के लंगर की क्या व्यवस्थाएं हैं वो सीधा हम बाबा सुखा सिंह जी हैं वो हमें बताएंगे, विशेष कि इस लंगर में क्या व्यवस्थाएं और किस किस तरह का मेन्यू इस लंगर में प्रसाद के रूप में मिलता है। तो चलिए सुखा सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बताएं कि क्या व्यवस्थाएं, किस तरह की मेन्यू मीनू। सुबह चाय के साथ चार तरह के पकौड़े रहते हैं, चार तरह के पकौड़े रहते हैं, मीठा रहता है साथ में, दो तरह का मीठा रहता है। तो फिर उसके बाद लंगर प्रसादी शुरू हो जाती है, जिसमें सब्जी रहती है, दाल रहती है, चावल रहती हैं, तीन चार तरह की रोटी रहती हैं। जैसे जैसे प्रकाश पर्व के दिन पास में आते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें और भी बढ़ती जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ आप तंदूर चल रहे हैं, तंदूर की रोटी बन रही है, तीन चार तरह की तंदूर की रोटी बन रही है। परली तरफ आप देख सकते हैं वो सब्जी बन रही है। तो जो पूरी व्यवस्था है बाबा जी की तरफ से, ये पूरी व्यवस्था जो देखी जाती है कि कुछ सर्दी का टाइम है, जो भी संगत आए वो गर्म गर्म प्रसादी ग्रहण करे, क्योंकि गुरु की खुशी लेनी है। तो जो यात्रियों को बुजुर्ग है, जो कोई भी तरह के लोग आते हैं, वो आके यहाँ अपना जीवन सफल करते हैं, सेवा करते हैं और 24 आवर जो लंगर रहता है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा किचन जो है किस तरह से काम करता है। यहाँ पर तंदूरी रोटी जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए, कारीगर जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए रहते हैं और इसी चूल्हे में जो है प्रसाद के रूप में यहाँ तंदूर की रोटी जो है वो बनाई जा रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना साहिब के बाल लीला गुरुद्वारा से, जहाँ पर यह किचन जो है काम कर रहा है। कि देखिए, ये तंदूर की रोटी है और ये देखिए ये घी है, शुद्ध घी है। इसी तंदूर रोटी को घी को तंदूर में लगाया जाता है और फिर लोगों को जो है वो परोसा जाता है। तो हम चलेंगे कुछ और सेक्शन में और हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सा मेन्यू बन रहा है। तो बाबा सुखा सिंह जी हमारे साथ हैं, बने रहेंगे और वो ही बताएंगे कि आखिर इस लंगर में किस किस तरह का मेन्यू और भी चलता रहता है। जैसे जहाँ सर आपने देखी है तंदूर चल रहे हैं, आगे अपन देख सकते हैं कि ये देखो सब्जी का सेगमेंट आ गया है, जहाँ सब्जी वगैरह बनती है, पूरा जो खाना है या सब्जी वगैरह बनती है, बॉयलर सिस्टम लगा हुआ है, तो कुछ बॉयलर से बनती है। देख लीजिए, कल के गाजर का हलवा अभी तैयार होना शुरू हो रहा है, तो कल गाजर का हलवा वो संगत को मीठे के संग में दिया जाएगा। तो बड़े बड़े भगोनों में वहाँ से दाल सब्जी बन जाती है, फिर उसको इस भगोनों में लाया जाता है, वहाँ आलू ग्राइंडर हो रहा है, फिर पूरा हर चीज़ का सफाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह का कोई भी कोई किसी को दिक्कत ना आए। सफाई पे विशेष जो बाबा जी, यहाँ दूध गर्म हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ खीर बन जाएगी और यहाँ अपन दाल देखो चने की सब्जी बनी हुई है, वहाँ दाल यहाँ चने की सब्जी बनी हुई है, उधर अपनी दाल बन रही है। तो जो पूरा है खाने का जो भी है, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे इधर बड़े टप में उनमें उनको खाने को शिफ्ट किया जाता है। सुबह से अपन देख सकते हैं जैसे मीठा चल रहा था तो मीठे में खीर चल रही थी, लेकिन अब गाजर का हलवा तैयार हो रहा है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं बिरयानी जो है जिसमें सब्जी वगैरह डाली जाती है चावलों में, तो वेजिटेबल डाल के बिल्कुल अच्छे तरह के चावल हैं जो वो संत को खिलाए जाते हैं। ये देखो आप और भी चावल बन रहे हैं, जैसे ये खीर बन गई है, और खीर जो संगत गर्म गर्म खाएगी भगवान की खुशी लेते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ श्रद्धालु आता है वो अपने तन मन धन से सेवा करता है कि जो भी संगत आए यहाँ महाराज का प्रसाद ग्रहण करे और वो यहाँ के खुश होके जाए। अपन आगे सेगमेंट देख सकते हैं, आगे रोटी बन रही है, ये रोटियाँ बेली जा रही हैं और परली तरह मशीन भी चल रही है, इधर आप देख सकते हैं वो रोटी वाली मशीन है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है महिला सिख संगत जो हैं वहाँ यहाँ पर रोटी बेलने में लगी हुई हैं, और वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो ऑटोमेटिक मशीन जो है वो दिखाइए जहाँ पर रोटियाँ जो है ऑटोमेटिकली तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन जो है वो उसमें रोटी जो है वो तैयार की जा रही है। यहाँ पर रोटियाँ जो हैं यहाँ पर तैयार की हुई रखी हुई, तो बाबा सुखा सिंह जी हैं वही बताएंगे, बताएंगे। क्योंकि अभी जैसे जैसे संगत की आमद बढ़ती जा रही है तो हमें रोटी बनाने वाली मशीन भी अब से हमने चालू कर दी है। दो मशीनें निरंतर चलती रहेंगी, तंदूर की रोटी भी चल रही है, मशीन की रोटी भी चल रही है, हाथों की रोटी भी आपके सामने। एक एक इसमें एक घंटे में 2000 रोटी बन जाती है। हाँ, दो मशीनें चलती हैं, आप मान के चलो एक घंटे में 4000 प्रसादी मशीन से बन जाएगी, हाथों से अलग की चल रही है, तंदूर की प्रसादी जो अलग से चल रही है, क्योंकि लाखों के हिसाब से संगत तो फिर आ जाती है, तो उसी हिसाब से पूरी तैयारी रखनी पड़ती है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना। आप आगे देख सकते हैं रोटी बेलती जा रही है, उधर तवा रोटी है, तवे में रोटी डाली जा रही है, देसी घी लग रहा है, तो वो संगत के लिए पूरा जो सिस्टम है बिल्कुल रेडी रहता है। तो और जितने भी यहाँ यात्रु आते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। गर्म गर्म माते आती हैं गांव से और लेडीज़ वगैरह आती हैं, वो अपना यहाँ जीवन सफल करती हैं, क्योंकि जो उनकी मन्नत होती है वो मांगती हैं, वो लगातार हर साल यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की खुशी लेने के लिए यहाँ बाल लीला में सेवा करने के लिए आती हैं। देख सकते हैं लोग देशों से विदेशों से जहाँ आते हैं अपना जो जीवन सफल करते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं आटा गूंदने वाली मशीन है, आटा गूंद के यहाँ लोगों के लिए भाइयों के लिए आता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वो देखिए आटा जो है आटा गूंथने की मशीन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो आटा जो है आटा इस मशीन में रखी जाती है, और यह आटा जो है यह प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से इसमें देखती है कि किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन में आटा जो है वो मिलाया जा रहा है, और यही आटा जो है बाहर मशीन से फिर निकलेगी और फिर इसी आटे से जो है वो रोटियां जो है वो तैयार की जाएंगी। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आगे की ओर आएं और दिखाएं कि आगे ये कि एक बार में कितनी संगतें जो हैं, कितनी सिख संगत जो हैं यहाँ पर उतर चलते हैं। 2000 आदमी एक टाइम में प्रसादा छकता है, 15 मिनट बाद ये पंगत छक के उठ जाती है, और निरंतर ये लगातार प्रकाशपुर में चलता रहता है। अपन इधर ये सेगमेंट देख रहे हैं, ये हमारी कल के लिए तैयारी हो रही है, ये सब्जी कट गई है, आलू छिल रहे हैं, गांव से माता वगैरह लोग आते हैं वो अपनी सेवा करते हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सेवा करने वालों की, इधर आलू कट रहे हैं, उधर सब्जी कट रही हैं, टप में भरी जा रही हैं, और सुबह के लिए तैयारी अभी से शुरू हो जाती है शाम के टाइम में। और इधर अपन देख सकते हैं बर्तन धोने के लिए गर्म गर्म पानी है, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है तो चिकनाहट हो जाती है, तो जो गर्म पानी है ना, तो गर्म पानी से बर्तन धुलते हैं तो तुरंत वो बर्तन जो है साफ हो जाते हैं। आप देख लीजिए लोग यहाँ बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, तो अपना जीवन सफल कर रहे हैं, ये आप देख ले सकते हैं। टपों में सब्जी काट के, ये पालक पड़ी हुई है, पालक पनीर भी बनेगा, ये कद्दू की सब्जी हो रही है, और अपने मिक्स पकौड़ा के लिए आलू बन रहे हैं, सुबह जो आलू फिंगर बनेगी वो भी बन रहे हैं, तो हर चीज़ जो है बिल्कुल साफ सुथरी और ध्यान से रखा जाता है। इधर अपन देख सकते हैं बर्तन 3 सेगमेंट में साफ होकर यहाँ आ रहे हैं। यूँ कहें कि जब 15 मिनट में 2500 सिख संगतें प्रसाद को चखते हैं तो 24 घंटा लगातार निरंतर यह चलता रहता है, तो करीब लाखों लोग करीब यहाँ पर प्रसाद चख लेते होंगे एक दिन में। बिल्कुल यहाँ लाखों लोग जो प्रसादी सकते हैं, और हमारी सुबह जो बनाने वाली वो टीम लग गए, फिर हमारी शिफ्ट जो होती है
क्योंकि निरंतर सेवा चलती है तो आदमी थक जाता है, तो हमें उसी हिसाब से हमारे साथ संगत आती है, हमारे साथ वैसे कारीगर आते हैं कि कभी रात को भी संगत चलती रहती है, तो किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गुरु की खुशी लेने के लिए संगत आती है। संगत यहाँ से जाएगी, खुश होकर जाएगी, गुरु की खुशी लेके जाएगी, और अपना जितना भी हो सकता बाबा भूरी वालों की तरफ से ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में संगत को यहाँ लाया जाता है, और यहाँ संगत आके अपना जीवन सफल करती है, और जो भी जिनको जिसकी मन्नत होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ का जो प्रशासन का हमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो हमें बता देते हैं कौन कौन सी मंडी से आपको, बड़ी मंडी हम जाते हैं तो हमारी टीम सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती है, जो हमने दो तीन दिन का मीनू लेकर चलते हैं वो सब्जी हम ट्रकों में आती हैं, छोटे जो ट्रक रहते हैं उनमें आती हैं, क्योंकि लाखों में लोगों ने खाना है तो सब्जी भी ट्रकों में आएगी, आलू प्याज जो भी सब्जी बननी है वो ट्रकों में लेके आते हैं भी, जिससे किसी तरह की डेली सब्जी मीनू चेंज होता रहता है। यहाँ पर जितने भी कारीगर हैं जो बनाने आते हैं के लिए हैं, वो कहाँ से आते हैं या देश के कोने कोने से आते हैं? ज़्यादातर कारीगर पंजाब से आते हैं और कुछ और स्टेटों से भी आते हैं, और जो सेवादार श्रद्धालु आते हैं वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं, देशों से विदेशों से आते हैं अपना जीवन यहाँ सफल करने के लिए। मैं समझता हूँ भी पटना में बालीला में एक बहुत बड़ा मेगा किचन है, क्यों लाखों लोगों को खाना खिलाना और उनकी वसा देखना, ये हमारे लिए और हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। देखा है जैसा कि बाबा सुखा सिंह बता रहे हैं कि यह बिहार का सबसे बड़ा मेगा किचन है, जहाँ पर हर दिन प्रकाश पर्व के समय में करीब लाखों लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसाद कराया, प्रसाद चखाया जाता है। और अब हम चलेंगे मीठे वाले सेक्शन में, यानी कि मीठे से संबंधित, मिठाई से संबंधित जो भी सेक्शन है उस ओर हम एक्सप्लोर करेंगे उसको, और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह का मीठा व्यंजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम चले आए हैं मीठा वाला सेक्शन भी, यानी कि यहाँ पर कितने तरह के मीठा व्यंजन जो है वो बनता है, और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के मिठाइयाँ जो है वो बनी हुई हैं, और यह मीठा व्यंजन जो है वो यहाँ आए हुए सिख संगतों, यानी कि देश के कोने कोने से जो भी यहाँ सिख संगत यहाँ पर जो आते हैं उनको यह प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि बिहार का सबसे बड़ा मेगा किचन इस वक्त पटना के बालीला गुरुद्वारा में काम कर रहा है। मीठे में आपने गुलाब जामुन देख लिया, रसगुल्ला चल रहा है, ये गुड़ वाले शक्करपारे चल रहे हैं और खंड के शक्करपारे चल रहे हैं, बेसन की बर्फ़ी आपने देखा ट्रेयों में बनी हुई है। तो जो क्या है अभी सुबह नाश्ते में जो कल के लिए है वो अभी से रेडी होता है, और हमारे लिए ये मीठे का जो सेगमेंट है वो अलग से है। अपन देख सकते हैं ये बर्फ़ी की ट्रेन पड़ी है, और ये देख लीजिए मीठे अलग अलग बने हुए हैं। तो क्या है भी जो भी यात्रु यहाँ आएगा गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है, लोग खुश होके जाते हैं, और हमारी सब्जी की मीठे की टीमें सब लग रहती हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं अभी कैसे पूरी वसा से पूरा शुद्ध आप देख सकते हैं, शुद्ध बन रहा है, ये बेसन की बर्फ़ी रेडी हो रही है, तो किसी तरह की कोई कमी ना रहे, क्योंकि इनके जथेदार ऊपर रहते हैं, कोई भगवान का प्रसाद है, लोग आए पूरी मानवता के लिए, जो गुरु नानक का 20 रुपये का चलाया हुआ लंगर है, लोग खा के खुश होते हैं और गुरु की खुशी लेती हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि यह लंगर जो है गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा चालू कराया गया था, और तब से अनवरत जो है, जो गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा जो लंगर शुरू की गई थी वो अनवरत अभी भी चालू है। बिल्कुल, जो गुरु नानक ने चलाया उन्होंने बोला संगत और पंगत, जो गुरु नानक की चलाई हुई प्रथा वो आज भी निरंतर चल रही है। आप देखो, आपके लिए बालीला गुरुद्वारा एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि आप बिहार निवासी, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ है, तो हर साल आप देखते हैं तो पूरी वसा की जाती है। जैसे अपन देख लगते हैं सुबह के लिए समोसे आ रही है, तो ये गर्म गर्म जो बन रही हैं, ये देखिए, ये जो है ये मठरी है जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं इस वक्त, वो सीधी तौर पर ये मठरी है जो कि सुबह सुबह लोगों के नाश्ते में दिया जाता है। और इधर जो है देखिए आप, ये मिठाई जो है यहाँ पर
वो तैयार किया जा रहा है कारीगरों के द्वारा, और जलेबियाँ जो हैं वो जलेबियाँ भी यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि नाश्ते में या फिर प्रसाद के रूप में लोगों को दी जाती है। देख लीजिए, अब जलेब हैं, वहाँ सब्जी कट रही है, पकौड़े हैं, ये देसी घी के लड्डू बन जाएंगे, बूंदी है, बूंदी के बाद लड्डू भी बन जाएंगे, यो भी यहाँ यात्रियों का देसी घी। ये देखो आपके सामने कारीगर लगे हुए हैं, भी बना रहे हैं, सुबह जितने भी संगतें यहाँ देशों से यहाँ आती हैं वो यहाँ खाएगी, गुरु की खुशी लेगी, अपनी तन मन धन से सेवा करेगी। तो ये थे बाबा सुखा सिंह जी, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे कि बिहार का सबसे बड़ा मेगा किचन इस वक्त बाल लीला गुरुद्वारा में काम कर रहा है, और यहाँ पर करीब एक दिन में करीब लाखों लोग जो हैं वो प्रसाद को चखते हैं और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो हमने दिखाया कि पटना साहिब में किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई है। तो हमने दिखाया कि बाल लीला गुरुद्वारा में किस तरह से लोग खाने पीने से रहने सहने को लेकर किस सभी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। इसी तरह की प्रकाश पर्व से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक लाते रहेंगे। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।